राजकीय अस्पताल में समस्याओं का समाधान करवाने हेतु धरना प्रदर्शन। सोजत तहसील के सबसे बड़े अस्पताल होने के बावजूद यहां समस्याओं का अंबार खड़ा है। मरीजों को किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही, सभी तरह की जांच डॉक्टर बाहर लिख रहे हैं तथा सोनोग्राफी मशीन हर हफ्ते खराब हो जाती है, जिससे मरीजों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल पा रहा। डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ मरीजों से किसी प्रकार से सही तरीके से बात नहीं करते। प्रधान लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं, जिससे मरीज काफी परेशान रहते हैं। इसी से परेशान होकर सोजत निवासी चेतन नाथ अस्पताल और प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर अस्पताल की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिससे अस्पताल का रवैया सुधारा जा सके। धरना प्रदर्शन में समाज सेवी वीर बहादुर सिंगारिया, कल्याण नाथ और रमेश कुमार, महेंद्र गहलोत आदि उपस्थित रहे। नवभारत समाचार सोजत सिटी से राकेश भटनागर की रिपोर्ट। राजकीय अस्पताल में कमियों को लेकर, समस्याओं को लेकर धरना दिया जा रहा, क्या है पूरा मामला? सोजत हॉस्पिटल के अंदर कोई तरह की सुविधा नहीं है, मरीज परेशान हो रहे हैं। जनरेटर नहीं है, लाइटें नहीं है, दवाया बाहर से मंगाते हैं, सोनोग्राफी बाहर से करवाते हैं, ब्लड टेस्टिंग जो भी होती है वो सब बाहर से करवाते हैं। तो आम आदमी, गरीब आदमी पैसा कहाँ से लेके आएगा? वो कोरोना काल में पहले ही वो बीमारी से मरा पड़ा है और पैसा कहाँ से लेके आएगा? ये पूरे हॉस्पिटल का सिस्टम ही पूरा बेकार हो रखा है, इसी विरोध में हम बैठे हैं। आपका ये धरना कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी ये पूरी नहीं हो जाती तब तक रहेगा।